पे कर रहे हैं, भले आपको उतना फीचर्स नहीं मिलेगा लेकिन जो कंफर्ट इसमें आपको भर के मिलेगा ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको मज़ा आ जाएगा। आजकल के गाड़ी में कोई भी वेरिएंट का बैजिंग आपको नहीं मिलता, लेकिन इस गाड़ी में आपको सारे के सारे वेरिएंट में, बेस से लेकर टॉप तक सारे वेरिएंट में आपको बैजिंग मिलने वाली है वेरिएंट्स की। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं CG04 कार्स। आज के वीडियो में अपने पास देसी जी वैगन का मिनी वर्जन, और भाई गाड़ी जो है ना काफ़ी सारे मामलों में बहुत बेस्ट निकल के आती है। अगर मैं बोलूँ गाड़ी जो है फीचर रिच इतना आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि सेगमेंट में आपको 4 मीटर के अंदर की सेगमेंट की गाड़ी है, कॉम्पीट करती है किया सोनेट और क्या बोलते हैं वेन्यू वगैरह को, इस रेंज की गाड़ी को कम्पीट करती है। लेकिन भाई गाड़ी में जो आपको कम्फर्ट मिलता है ना, वो नेक्स्ट लेवल चीज़ मिलता है। जो प्राइस पॉइंट आप पे कर रहे हैं, भले आपको उतना फीचर्स नहीं मिलेगा लेकिन जो कम्फर्ट इसमें आपको भर के मिलेगा ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको मज़ा आ जाएगा। अब तक इस गाड़ी में मुझे लगता था कि यार थर्ड रूम में इतना स्पेस नहीं होता होगा, बेशक कोई दिक्कत नहीं आपके हिसाब से नहीं भी होगा, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि ज़्यादा हेल्दी पर्सन इसके थर्ड रूम में नहीं बैठ पाएगा। लेकिन अपने सेगमेंट में आने वाली 7 सीटर गाड़ी ये कहलाती है बुलेरो नियो, और काफ़ी सारे मामलों में क्या बेस्ट निकल के आते हैं आज के वीडियो में सारा रहेगा। ये आप देख रहे हैं टॉप मॉडल बुलेरो नियो N10, ठीक। बेसिकली 4 मॉडल में आती है, N4, N6, N8 और N10 ऑप्शनल, ठीक। ये आप देख रहे हैं टॉप ऑफ द लाइन N10 ऑप्शनल, और सारा का सारा इसमें आपको बेसिक से बेसिक फीचर मिल जाता है। वो नाम को रिप्रेजेंट करता है जो बुलेरो नियो रखा गया है, बहुत सारे मामलों में वो रगेडनेस को भी मेंटेन करती है। तो सबसे पहले चाबी की बात करें तो यहाँ पे आपको एज यूजुअल सभी गाड़ी की जैसे यहाँ पे आपको चाबी मिलने वाला है, ठीक, फ्लिप की, और लॉक अनलॉक के बटन यहाँ पे आपको मिल जाने वाले हैं, और ऐसा वैसे कुछ आपको सायरन वगैरह मिल जाएगा, ठीक। सबसे पहले गाड़ी में आपको मिलता है LED DRL, वो कैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक स्क्रीन, ये देखिए गाड़ी में आपको मिलेगा LED DRL प्रॉपर तरीके से। आपको ये चीज़ खाली टॉप मॉडल में मिलेगा, कोई भी लोअर वेरिएंट्स में नहीं मिलने वाला है। रिफ्लेक्टर हेलोजन हेडलैम्प्स, और यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम वो मिल जाता है, और आपको फॉग लैम्प जो है यहाँ पे आपको मिलने वाला है, सिर्फ इसी वेरिएंट में मिलेगा और कोई भी वेरिएंट में नहीं मिलेगा। भाई यहाँ पे आपको मिलेगा, क्या विड्थ की बात करें तो अपने सेगमेंट में काफ़ी चौड़ी गाड़ी निकल के आती है। हमने देखा गाड़ी का LED DRL हेडलैम्प और फॉग लैम्प। सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट में आप देखें तो ग्रिल पैटर्न में यहाँ पे आपको चौड़े चौड़े ब्रिसल्स मिलेंगे, जो ग्रिल क्रोम में फिनिशिंग दिया गया है, और यहाँ पे आपको ऐसा कुछ क्रोम फिनिशिंग प्रॉपर ग्रिल में मिलता है। ग्रिल जो आपको मैट ब्लैक में मिलेगा, कोई भी पियानो पार्ट का यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है। फ्रंट बम्पर में स्किड प्लेट देखेंगे तो थोड़ा सा स्पोर्टियर मिलता है, लेकिन आपको पूरा प्रॉपर जो मैट ब्लैक में मिलने वाला है। मेरे को सामने से देखने से ना गाड़ी जो 2-टोन में लग रही है, देखिए ब्लैक ग्रिल और यहाँ पे आपको वाइट गाड़ी, और थोड़ा सा गाड़ी गंदा है तो उसको माइंड मत करना, ठीक। ये हमने देखा गाड़ी का फ्रंट लुक। सबसे बढ़िया गाड़ी का मुझे लगता है अलॉय व्हील, इसमें आपको 15 इंच के टायर मिलने वाले, अपोलो टायर प्रोवाइड कर रहे हैं महिंद्रा वाले, 215x75R15 आपको टायर साइज मिलेगा। फ्रंट में डिस्क, और यहाँ पे आपको मिलेगा रियर में ड्रम, ठीक। ऐसा कुछ आपको प्रॉपर तरीके से सिस्टम दिया गया। ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 180mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड किया गया प्रॉपर तरीके से, और इसमें आपको गाड़ी में फुटस्टेप भी प्रोवाइड कर रहे हैं, देख सकते हैं प्रॉपर मेटल वाला फुटस्टेप दिया गया है। इसमें आपको चढ़ के बढ़िया सा, इसमें आपको चढ़ वढ़ के इजिली आप बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं गाड़ी के ORVM की। जैसे कि ORVM अपन देखें तो ये चीज़ इसमें आपको इलेक्ट्रिक तो मिलता ही है, अभी वाइपर चलाते तो इसमें पानी वगैरह आ गया, खैर कोई दिक्कत नहीं है। ORVM में यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल मिलता है, लेकिन फोल्डेबल ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा, कोई भी इसमें आपको इलेक्ट्रिक फोल्डेबल नहीं मिलेगा। इंडिकेटर कहाँ गया, इंडिकेटर आपको फेंडर में मिलेगा। भाई ये गाड़ी है ना ऑफिशियल खासकर ज़्यादा यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा काम आती है, लेकिन एज़ पर टूर एंड ट्रैवल में भी गाड़ी बेहतर निकल के आती है। और फैमिली पर्पसली देखें तो गाड़ी मुझे कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा लगी, जिस सेगमेंट में आ रही है इस सेगमेंट में अगर कोई कंफर्ट मिला तो इस गाड़ी में मेरे को मिला। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कम्फर्ट इस गाड़ी में प्रॉपर मिल रहा है, फीचर रिच ये गाड़ी नहीं है लेकिन कम्फर्ट जो है काफ़ी बेहतर निकल के आती है अपने सेगमेंट में, ठीक। हमने देखा गाड़ी का साइड एंगल, और यहाँ पर आपको बढ़िया सा फेंडर से लेके यहाँ पर लास्ट तक आपको प्रॉपर जो है क्या, ये आपको मैट फिनिशिंग में पट्टी मिलने वाली है। कोई भी बॉडी कलर यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स नहीं मिलेंगे, ठीक। वही थोड़ा सा रगडनेस मेंटेन करने के लिए बुलेरो नाम को मेंटेन करती है लेगेसी को, और कोई भी यहाँ पे आपको
कलर वाला डोर हैंडल्स नहीं मिलेगा, ना कि यहाँ पे डोर गार्निशिंग में क्रोम फिनिशिंग मिलने वाला है। और रूफ रेल्स की बात करें तो कोई भी गाड़ी में नहीं मिलने वाला है। इसका एक और ऑप्शन यहाँ पे आप जा सकते हैं, कलर टोन की बात करें तो ब्लैक गाड़ी भी आप ले सकते हैं। ब्लैक कलर में आपको क्या प्यारा एलॉय व्हील लग रहा है, सिल्वर कलर में यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ठीक, काफ़ी प्यारी निकल के आ रही है। और हमने देखा गाड़ी का ऐसा साइड लुक। एंटीना की बात करें, नॉर्मल से आपको एंटीना प्रोवाइड कराया गया है। हाइट की बात करें तो गाड़ी में आपको 1800 प्लस एमएम के इसमें आपको हाइट भी मिलने वाला, हाइट भी काफ़ी बेहतर निकल के आती है। यहाँ पे आपको प्रॉपर मिलेगा, ये यहाँ से नहीं अंदर से खुलेगा, प्रॉपर फ्यूल टैंक मिलेगा, कितना 50 लीटर का डीजल टैंक यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है। और क्वार्टर पैनल में बहुत बड़ा यहाँ पे आपको विंडो दिया गया है, ये ऑपरेशनल है, ये आप इजीली खोल भी सकते हैं, पूरा नहीं खुलेगा, थोड़ा सा खुलेगा एयर इंटेक वगैरह करने के लिए। रियर लुक की बात करें, यहाँ पे आपको रियर लुक जो है काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। इसका जो कवर है गाड़ी के अंदर रखा गया, यहाँ पे कवर लग जाता है। और स्पेयर व्हील की बात करें, सेम साइज़ का है, लेकिन कोई भी अलॉय व्हील आपको प्रोवाइड नहीं कराया गया है, ठीक। यहाँ पे आपको मिलेगा बुलेरोनियो की बैजिंग, डिफॉगर, वाइपर, हाई माउंट प्रॉब्लम, और यहाँ पे आपको स्पॉइलर दिया गया है। और फॉन्ट जो है काफ़ी बेहतर निकल के आता है, सेम वही फॉन्ट रखा गया है जो आपको बुलेरो मिलता है, यहाँ पे आपको बस 9 मिल जाता है, नियो लिखा हुआ मिल जाता है गाड़ी में। और यहाँ पे आपको मिलने वाला N10 जो वेरिएंट है, इसकी बैजिंग मिलने वाला है। भाई आजकल के गाड़ी में कोई भी वेरिएंट का बैजिंग आपको नहीं मिलता, लेकिन इस गाड़ी में आपको सारे के सारे वेरिएंट में, बेस से लेकर टॉप तक सारे वेरिएंट में आपको बैजिंग मिलने वाली है वेरिएंट्स की। अब चलिए बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 384 लीटर का बूट स्पेस, और चढ़ने के लिए यहाँ पे आपको स्टेप भी दिया जाता है। भाई मैं इजीली बैठ सकता हूँ अगर मेरा हाइट इजी है, और दो पर्सन इजीली तो नहीं बैठ सकते, अगर आप सिंगल बैठ रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये विंडो यूज़ करना तो इजीली आप यहाँ से खोल के ऑपरेट कर सकते हैं एयर इंटेक के लिए। थर्ड रो में भी आपको क्या केबिन लैंप मिलेंगे हेलोजन वाले, और यहाँ पे आपको फ्रंट में भी मिलेंगे हेलोजन लैंप्स, ठीक। हमने देखा बूट स्पेस ऐसा कुछ आपको मिलने वाला, और ऐसा कुछ नहीं, आपका स्टेपनी तो बाहर है, लेकिन यहाँ पे आपको जैक वगैरह जो है रिफ्लेक्टर वगैरह यहाँ पे आपको दिया गया है। कोई भी यहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये आपका बेंच सीट जो है इसमें दिया गया है, ऐसा कुछ इस तरीके से। अब चलते गाड़ी के बाहर, देखिए गाड़ी गंदी है तो टेंट भी गंदा हो गया, पर खैर उसको दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको रिवर्स में मिलने वाला है दो दो पार्किंग सेंसर, और यहाँ पे आपको रियर बम्पर में थोड़ा सा डुअल टोन टाइप से फिनिशिंग दिया गया, रिफ्लेक्टर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। गाड़ी में कोई भी रिवर्स कैमरा ऑफर नहीं किया जाता है, इस तरीके से आपको कहाँ ही करेंगे, ठीक है। लेकिन गाड़ी में आपको प्रॉपर तरीके से पाँचों के पाँचों डोर में चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिल जाता है। पांचों के डोर में नहीं, फ्रंट में तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको रियर के दो और तीन, तीनों के तीनों डोर में चाइल्ड सेफ्टी लॉक ज़रूर से मिल जाता है गाड़ी में। इसको करते हैं अपन बंद, देखिए जो थर्ड का आवाज़ है ना काफ़ी बेहतर निकल के आता है। कोई भी LED टेल लैम्प नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको हेलोजन नॉर्मल से टेल लैम्प दिए गए हैं, और रिवर्स लैम्प यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिल जाता है। गाड़ी का हमने देखा रियर लुक, फ्रंट लुक और साइड लुक। अब बात आती है गाड़ी के क्या इंटीरियर की, चले इंटीरियर की ओर चले तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है इस टॉप मॉडल में बुलेरोनियो के, सबसे पहले देखेंगे। चाबी को ओपन कर देते हैं यहाँ पे इंसर्ट, और कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक सीट्स नहीं मिलेगा, लेकिन हाइट एडजस्टमेंट सीट जरूर से दिया गया है, वो भी यही वेरिएंट में आपको ऑफर किया जाता है। ORVM के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, हेडलैम्प के लेवलिंग कंट्रोल्स, और गाड़ी के जो यहाँ पे आपको इको मोड भी मिल जाते हैं प्रॉपर तरीके से, और गाड़ी का इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे आपको दिया गया है, वो भी ट्रैफिक वाला पुश स्टार्ट स्टॉप, अपने इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। डोर पैनल्स में यहाँ पे आपको सिल्वर टोन दिया गया, कोई भी सॉफ्ट टच का यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया। भाई बुलेरो नाम से रगडनेस मेंटेन करती है, तो थोड़ा सा वो वाला फील भी देना जरूरी है इस गाड़ी को, ठीक। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर, और यहाँ पे आपको स्पीकर के प्लेसमेंट, ट्विटर जो है यहाँ पे आपको पिलर्स में देखने को मिल जाएंगे, ठीक, वहाँ पे आप देख सकते हैं 4 स्पीकर 2 ट्विटर का यहाँ पे आपको सेटअप गाड़ी में मिल रहा है। चलिए अब गाड़ी का जो है स्टार्ट करते हैं। फ्यूल टैंक जो यहाँ से आपको सीट के नीचे से खोलने का ऑप्शन दिया गया है। अब करें गाड़ी का, भाई इस गाड़ी में चढ़ने का बैठने का जो फील है ना, एक अलग ही लेवल का मज़ा आता है। देखिए इसका जो थर्ड वाला साउंड है ना, काफ़ी बढ़िया है, ये देखिए भाई, ये सब चीज़ मारुति की गाड़ी में कहाँ ही मिलने वाला है। तो अपन गाड़ी को चालू करते हैं, ठीक है, एसी को करते हैं अपन ऑन, लो फ्यूल का यहाँ पे आपको साइन मिल जाता है, थोड़ा सा अभी गाड़ी में डीजल वगैरह नहीं है, कम है, और
यहाँ पे आपको मिलेंगे हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, वाइपर के कंट्रोल्स और थोड़ा स्टेयरिंग जो है काफ़ी मेरे को टाइट लग रहा है। डी कट स्टेयरिंग नॉर्मल वही थार वाले स्टेयरिंग आपको मिलेंगे जो आपको थार में दिए जाते हैं। इवन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी वही आपको मिलने वाला है। सारा का सारा रेंज वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑडोमीटर वगैरह सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। TPMS भी आपको गाड़ी में ऑफर किया जा रहा है। एक सेकेंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। अरे यार थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ये देखिए आपको TPMS भी गाड़ी में ऑफ़र किया जा रहा है और ओडोमीटर के सारे सिस्टम यहाँ पे आप देख सकते हैं। RPM जो है बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाता है और स्पीडोमीटर यहाँ पे और ऐसा कुछ इको मोड में आपको मिल जाता है। इको मोड यहाँ से आप कर सकते हैं। गाड़ी जो है डिफ़ॉल्ट पावर मोड में आती है लेकिन आपको इको मोड और अपने हिसाब से करना पड़ेगा। इको मोड में जो माइलेज जो है 17-18 इजीली दे देगा, प्यार से चलाएंगे। और गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी की बात करें जो नॉर्मली आपको मिलेगा, कंपनी जो क्लेम करती है 12-13 समथिंग दे देगी, लेकिन आप प्यार से चलाएंगे तो 14-15 तक आराम से दे देगी, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। 3 सिलेंडर मिल रहा है गाड़ी में आपको और ऐसा कुछ आपको हमने देखा फ्रंट। और यहाँ पे आपको मिलता है टिल्ट ही मिलेगा, कोई भी टेलीस्कोपिक का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे आपको, जो कि कोई भी एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो नहीं सपोर्ट करेगा। नॉर्मल बेसिक्स ऑडियो वगैरह ब्लूटूथ वगैरह सिस्टम दिया गया और कुछ भी नहीं है। महिंद्रा का ऑफिशियल वाला सिस्टम है ये चीज़, ठीक है। रेडियो वगैरह चला सकते हैं आप। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और यहाँ पे आपको मिलेगा चारों के चारों पावर विंडो सेंटर में। लॉक अनलॉक का विंडो का स्पेस थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको मिल जाता है। कप होल्डर कोई भी आर्म रेस्ट का यहाँ पे सिस्टम नहीं मिलेगा, लेकिन आर्म रेस्ट तो यहाँ पे कैप्टन वाले दिए गए हैं सारे के सारे सीट्स में, आप मज़ा ले सकते हैं। ये बढ़िया सा मुझे काफ़ी बढ़िया लगा पर्सनल इंडिविजुअल, इसमें आपको आर्म रेस्ट प्रोवाइड किया गया है। ये दोनों ड्राइवर साइड एज वेल एज को ड्राइवर साइड बढ़िया, ये वाला जो फीलिंग है कोई भी वो सेंटर में आर्मरेस्ट नहीं दे सकता है। IRM मैनुअल मिलेगा, ये आपका क्या हेलोजन केबिन लैंप, माइक का प्लेसमेंट यहाँ पे आपको मिल जाता है बात बात करने के लिए, कोई भी वैनिटी मिरर नहीं, टिकट होल्डर यहाँ पे आपको मिलता है और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर दिया गया है विदाउट लाइटिंग। ग्लव बॉक्स की बात करें यहाँ पे आपको डिसेंट मिलेगा, कोई भी कूल ग्लव बॉक्स नहीं मिलेगा। अब किसकी बारी, अब गाड़ी के रियर सीट्स की बारी। गाड़ी में पूरा का पूरा यहाँ पे आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलने वाला है। चलिए गाड़ी के रियर की ओर चलें। देखिए गाड़ी का इंजन साउंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा सुनने को मिलता है बिकॉज दिस इज 3 सिलेंडर इंजन। और चलिए रियर की और बात करें तो यहाँ पे आपको लेग रूम जो है भर भर के मिलने वाला है। इंजन आराम से बैठ सकते हैं, आर्मरेस्ट भी मिलने वाला, कोई भी हेडरेस्ट तीन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सीट बेल्ट दोनों साइड मिलेगा। थर्ड वाला सेंटर बस मिलेगा, 3 पॉइंट नहीं मिलेगा। आर्मरेस्ट तो ठीक है मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट भी ज़बरदस्त मिलने वाला है, ठीक। ये हमने देखा गाड़ी का रियर से लुक, ऐसा कुछ आपको सिस्टम दिया जाता है। अब चलते हैं गाड़ी के मेन इंजन स्पेक्स की ओर। इंजन देखते हैं गाड़ी में आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलता है ये देखो M-Hawk का डीजल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 98.5 BHP और निकालता है 260 Nm का टॉर्क। और 3 सिलेंडर इंजन है, इसी वजह से थोड़ा सा नॉइजी आपको मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ABS CVT ESP सारा का सारा सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। और भाई यहाँ पे आपको इंसुलेशन वगैरह प्रॉपर मिलता है, इस तरीके से कुछ सारा सिस्टम दिया गया है। अब बात करें गाड़ी के थोड़ा सा कंसिडर करने या नहीं करने की, यहाँ पे भाई 12,15,000 के एक्स शोरूम प्राइस में गाड़ी मेरे को प्राइस तो बहुत बढ़िया लगी। जो कंफर्ट आपको प्रोवाइड कर रही है, भले फीचर रिच नहीं है लेकिन वो ठीक है, मैं कंसिडर कर सकता हूँ अगर मेरे को कंफर्टेबल बस रहना है तो। बाकी फीचर्स आज के टाइम में गाड़ी का बस USP बढ़ा रही है और उतना हर एक फीचर प्रैक्टिकल कोई भी यूज़ नहीं कर पाता, अगर मैं जेन्युइनली बताऊँ तो। अगर आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे कॉमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर से बताना कौन कितना 100% सारा का सारा फीचर आज की जो गाड़ी में मिल रहा है वो यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमने देखा बुलेरो नियो N10 टॉप ऑफ द लाइन 2024, ये सारे आपको फीचर्स मिल रहे हैं 12,15,000 के एक्सोरूम प्राइस में। ऑन रोड की बात करें तो 14,00,000-14,50,000 के अंदर आ जाएगी ये गाड़ी। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।